जिला चिकित्सालय के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विगत माह के शेष वेतन और कलेक्टेड रेट पर निकाली गई सेवा शुल्क की विज्ञप्ति के निराकरण के संबंध में शिवपुर कलेक्टर और सीएमएचओ व सिविल सर्जन को जिला चिकित्सालय के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जहाँ ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जिला चिकित्सालय शिवपुर में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी, सफाई कामगार, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, आया हेल्पर, स्टॉपर को जिला चिकित्सालय शिवपुर द्वारा आउटसोर्स द्वारा रखा गया है। करीबन 90 कर्मचारियों की भर्ती जिला डीएच कंपनी सेडमैप सिक्योरिटी द्वारा कंपनी के अनुबंध व शर्तों पर रखा गया, जहां कंपनी उक्त शर्तों का पालन न करते हुए कंपनी द्वारा मनमाना बर्ताव कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, जो कि अशोभनीय है। उक्त कंपनी के द्वारा वर्तमान कलेक्टर रेट कुशल 1,103.07 रुपये और अशुल्क 9,125 का वेतन ना देते हुए अशुल्क को कंपनी के द्वारा 8,000, कुशल को 8,500 रुपए देने की बात कही जा रही है, जो बहुत ही कम है। वहीं कंपनी के द्वारा माह की 1-5 तारीख तक वेतन देने की बात भी कही थी, मगर बीते 2 माह से आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक कंपनी के द्वारा वेतन नहीं दिया गया है, जहाँ वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों को भूखे मरने वाली नौबत आ गई। इतना ही नहीं, कंपनी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का विज्ञप्ति में कंपनी द्वारा दर्शानुसार कुशल से 3,000 और अकुशल से 10% सेवा शुल्क कंपनी के द्वारा लिए जाने के निर्देश भी प्राप्त हुए, जहां कंपनी द्वारा 10% मूल वेतन में से काटने की बात कही जा रही। बात का सेवा शुल्क किस आधार पर निश्चित किया गया है, इस तरह का शोषण कतई संवैधानिक नहीं है। कर्मचारियों को कंपनी से वर्तमान कलेक्टर रेट पर वेतन दिलवाया जाना अनिवार्य कराया जाए और प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन दिलवाना जाना अनिवार्य करवाया जाए। कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिए जाए, वहीं शेष 2 माह का वेतन कर्मचारियों के खाते में डलवाए जाने की कृपा करें। अन्यथा की स्थिति में हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो जिला चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी दिनांक 6 अगस्त 2022 से जिला चिकित्सालय प्रांगण में स्थित पार्क में धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की होगी। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। था किस मामले को लेकर के आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे कलेक्टेड में? पहला मामला तो ये था कि हमारे 2-3 महीने हो गए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया गया। आउटसोर्स कंपनी है, सेट मैप कंपनी सिक्योरिटी के नाम से कंपनी है, जो अभी एक नई कंपनी आई है, उन्होंने अभी तक 2-3 महीने का पेमेंट नहीं दिया। और एक विज्ञापति में और निकलवाते हैं, दैनिक भास्कर की 30 तारीख की विज्ञापति है, जिसमें वो निकलवाते हैं कि 10% 90 कर्मचारियों के खाते में से काटा जाएगा। 90 सेवा शुल्क 90% का होता है 800 रुपये, मतलब आउटसोर्स कंपनी के जो कर्मचारी उनके खाते में से काटा जाएगा। अभी 2-3 महीने से पेमेंट दिया नहीं है, उसके पहले एक तानाशाही तरीके से एक लेटर और जारी हो जाता है कि आपके 10% काटा जाएगा आपकी तनख्वाह में से। इस विषय के लेकर हमने ज्ञापन दिया कि हमारे अगर 10% काटते हैं और तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती तो हम 6 तारीख को हड़ताल पे धरने प्रदर्शन करेंगे। यानी आप अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के आए हैं कि कंपनी जो तानाशाही रवैया अपना रही है जी सर, और समय पर वेतन नहीं दे रही है, उसी को लेकर के आपने यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जी सर। तो इसको लेकर अब क्या आपकी आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? इसको लेकर आगे की रूपरेखा रहेगी, 6 तारीख को अगर 5 तारीख तक अगर पेमेंट नहीं आता है तो 6 तारीख को हम धरना प्रदर्शन जो हमारा पार्क है हॉस्पिटल का उसमें बैठेंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी काम बंद करके आप धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी काम का बहिष्कार करके आप अपनी मांगों को लेकर पुनः जो है जी हड़ताल पर जाएंगे। तो क्या ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी या कुछ समय के लिए? पूरी नहीं होगी जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी।